कोटा में एक बार फिर से चंदन चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। जी हां, चोरों ने शहर के प्रसिद्ध शिवपुरी धाम को निशाना बनाते हुए चंदन के 3 पेड़ों को काट कर ले गए। महंत ने बताया कि चोर इलेक्ट्रॉनिक कटर से पेड़ों को काट कर ले गए। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी इसी मंदिर से चोरों ने चंदन के पेड़ चोरी किए थे। चोरों के हौसले बुलंद है, उनकी किस्मत अच्छी है जो उनको पुलिस नहीं पकड़ रही। मंदिरों पे भी चोरी कर रहे हैं, बगीचों में भी कर रहे हैं, अफसरों के बंगलों पे भी कर रहे हैं और आज तक वो पकड़ में नहीं आ रहे। इसलिए उनकी किस्मत अच्छी है जो लाखों का पौधा काट के एक चंदन वृक्ष मंदिर के समान है जिनको काट के ले जाते हैं। आज 3 दिन के अंदर 2 बार चोरी होगी शिवपुरी धाम में। 5 पौधे कट गए, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। रात को ध्यान नहीं लगता, भजन पे नहीं लगता, भक्ति भाव पे नहीं लगता, क्यों? दूर दूर से कोटा एजुकेशन की नगरी है, बहुत लोग यहाँ आकर जो शिवपुरी धाम में दर्शन करते हैं और पूछते हैं महाराज जी चंदन वृक्ष कहाँ है, जिन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।